हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्पीशीज इन न्यूज़, यानी वो वाली प्रजातियां जो रिसेंटली न्यूज़ में रही, क्योंकि प्रिलिम्स आपका क्लोज आ रहा है और वहां पे स्पीशीज पे ज़रूर कोई ना कोई सवाल आता है। तो पहले भी इसके एक दो पार्ट्स में कवर कर चुकी हूँ। आप स्टडी आई क्यू पे वीडियोज़ देख सकते हैं मेरे साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब देखिए, आज के टॉपिक का रेलेवेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। मेंस पेपर वन जो है, ज्योग्राफिक फीचर्स इन देयर लोकेशन जो है स्पीशीज़ के, वो इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव लेवल पर नेम क्या है स्पीशीज़ का, न्यूज़ में क्यों रही, क्या उसकी खासियत है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे पहली स्पीशीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है थानाटॉट हेरिस्टिस। अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट ने एक डायनासोर फॉसिल होता है बहुत पुराने आपके ऐसे जीव जंतु जो कि प्रिजर्व हो गए हैं, दब चुके हैं ज़मीन में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, और उनके फॉसिल्स हमको मिलते हैं राइट, इंटैक्ट, वैसे ही जो प्रिजर्व हो गए होते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा ही फॉसिल जो है डायनासोर का, वो उनको मिला कहाँ पे, अल्बर्टा इन कैनेडा। 2010 में उनको ये फॉसिल मिला था जो कि एक नई स्पीशीज़ है टायरानासोर, उससे बिलोंग करता है। उन्होंने इसको नाम क्या दिया है, थानाटॉट हेरिस्टिस, जिसका मतलब है रीपर ऑफ डेथ। अब इसके बारे में और जानते हैं। इसकी पिक्चर जैसे डिपिक्ट की गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो टायरानोसोर्स हैं, देखो डायनासोर्स का नाम आपने सुना है, ये है टायरानोसोर्स, जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है टायरानोसोर्स। ओके, टायरानोसोर्स जो है लार्जेस्ट मीट ईटिंग डायनासोर्स थे उस वक्त के, जो कभी भी इस अर्थ पे आज तक रहे हैं। बहुत ही ऊंचे आकार के थे, इनके जो स्कल्स थे, जो इनके सर का साइज था, वो बहुत हाई था। और बेस्ट अमंग देम इसमें जो सबसे ज्यादा था वो था टायरानोसोर्स रेक्स। टायरानोसोर के स्पेलिंग सेम है, आगे रेक्स। और ये जो जुरैसिक पार्क सीरीज है आपने उसमें भी देखा होगा, और इनफैक्ट ये 79 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल जो है वो मिला है, 79 ईयर ओल्ड फॉसिल है रिसर्चर्स को जो मिला है ओल्डेस्ट टायरानोसोर का। ये नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करता है, और जिसको इन्होंने ये नाम दिया है थानाटॉट हेरिस्टिस, ये लार्ज जो प्लांट ईटिंग डायनासोर्स थे उनका शिकार करता था, जैसे उस टाइम हॉर्न्ड ज़ेनोसेरेप्टॉप्स थे। यहाँ पे नाम लिखती हूँ उसका, हॉर्न्ड, HORNED, हॉर्न्ड ज़ेनोसेरेप्टॉप्स। ये भी डायनासोर्स थे काफ़ी ऊंचे आकार के, जो कि प्लांट खाते थे, प्लांट्स को खाते थे। या फिर ये जो टायरानोसोर्स है स्पेशली थानाटॉट हेरिस्टिस, डोम हेडेड कोल पिचोफेल जो डायनासोर्स थे उनको खाते थे। डिफरेंट डायनासोर्स जो कि ऊंचे आकार के रहते थे। तो यहाँ पे रिसर्च सजेस्ट करती है कि जो भी टायरानोसोर्स हैं इनका एक जनरल बॉडी टाइप नहीं था, बल्कि अलग अलग डिफरेंट टायरानोसोर स्पीशीज जो है डिफरेंट बॉडी साइज, डिफरेंट स्कल फॉर्म्स या बाकी के फिजिकल फीचर्स में काफ़ी अलग दिखते थे, यानी एक जनरल बॉडी टाइप इनका नहीं था। जो फॉसिल स्पेसिमिन यहाँ पे मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लेट क्रिस्टेशियस पीरियड को पढ़ना चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं डिफरेंट पीरियड्स रहे हैं, अगर इस पीरियड क्रिस्टेशियस पीरियड के बारे में, सॉरी क्रिटेशियस पीरियड के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, तो इसके फॉसिल से काफ़ी मदद रिसर्च में हमको मिलेगी। तो ये जो है पहला स्पीशीज हमने डिस्कस किया, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं, दूसरा है आपका फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। अब ये न्यूज़ में क्यों है, देखिए फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल जो है इसको रूबी गुलाब भी कहा जाता है। इसको मैस्कट जो 36 नेशनल गेम्स गोवा में हुई उसके लिए एक जो मेन मैस्कट इसको चूज़ किया गया, स्टेट बर्ड भी है ये गोवा का। अगर इसका IUCN स्टेटस देखें तो ये लीस्ट कंसर्न में आता है। ये जो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है ये एंडेमिक है कहाँ पे, टू सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया। जितना इंडिया का सदर्न पेनिनसुला आपको नज़र आता है वहाँ पे ये लोकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पेशली जो आपका साउथ का पार्ट आ जाता है, आंध्र प्रदेश का, आपका ईस्टर्न कर्नाटका आ जाता है, गोवा है, उसके बाद उड़ीसा है, ईस्टर्न केरला है, उसके बाद नॉर्दर्न तमिलनाडु जो है वहाँ पे यूजुअली ये पाई जाती है। इसके मेन हैबिटेट्स अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके रॉकी एरिया हो रहते हैं या फिर स्क्रब कवर्ड जो हिल्स हैं मोस्टली ईस्टर्न घाट्स की, ये सेंट्रल पेनिनसुलर जो इंडिया है वहाँ पे ये पाई जाती है। इनफैक्ट जो कुछ वेस्टर्न घाट्स के पार्ट में भी ये पाई जाती है। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो वहाँ पर ये स्केड्यूल जो आपका 4th स्केड्यूल है उसमें ये बर्ड जो है ये प्रोटेक्टेड है। ओके, तो ये आपका दूसरा स्पीशीज़ हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट स्पीशीज है नाट्री अल्बा स्वरूपे। अब ये क्या है, देखिए साइंटिस्ट्स जो हैं नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स, नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंसेस NCMR NCCS पुणे के, उन्होंने रिपोर्ट किया है एक नए तरह का आर्किक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, जो कि उन्होंने डिस्कवर किया सांबर सॉल्ट लेक राजस्थान से। ये जो नया आर्कियन है इसका नेम जो रखा गया है नाट्री अल्बा स्वरूपे, ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रेनू स्वरूप, ओके डॉक्टर रेनू स्वरूप, उनको ऑनर करने के लिए, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी की, उनको ऑनर करने के लिए उनके नाम पे रखा गया है, क्योंकि ये उनका इनिशिएटिव था कि जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है देश की, हमने उसको पढ़ना है, उसको सपोर्ट करना है, तो उनको ऑनर करने के लिए इसका नाम, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम उन पर रखा गया। अब देखिए अगर हम आर्की के बारे में बात करें, सिंगुलर है इसका आर्कियन, ये एक प्रिमिटिव ग्रुप है, बहुत पुराना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पुराने टाइप के होते थे, जो ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए हैं और एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, यानी बहुत जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट्स हैं, हाइपर सेलाइन लेक्स हैं, वहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। ये हम बात करें आर्की की, ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हमारे जो ह्यूमन गट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और पोटेंशियल रिलेशनशिप इनका ह्यूमन हेल्थ के साथ रहता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। ये जाने जाते हैं, ये जो ग्रुप है ये स्पेशली जाना जाता है एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स के लिए और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए, इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी इनको यूज़ किया जाता है। देखिए जितना भी ये आर्कियन है, इनका एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कंडीशंस में ही रहते हैं, क्योंकि इनके सामने बहुत चैलेंजेस होते हैं, ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए होते, तो नेचुरल कंडीशंस में ही ये अच्छे से रह पाते हैं, लेबोरेटरी सेटिंग में इनको पढ़ना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आरके एक ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत पुअरली स्टडीड है, इस पर ज़्यादा जो है रिसर्च नहीं हुई है, क्योंकि लैब सेटिंग में आप इनको ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए ह्यूमन बॉडी में जो आरके हैं उनके बारे में भी बहुत कम नॉलेज है कि ह्यूमन बॉडी में ये किस तरह से बिहेव करते हैं। तो इनफैक्ट ऑर्गेनिज्म का जो पोटेंशियल जीन क्लस्टर है, वो जितना भी मेटाबॉलिज्म आरके के अंदर हो रहा है, उसको किस तरह से हार्श कंडीशन सर्वाइव कर रहा है, उसके बारे में स्टडीज़ जो है, रिसर्च जो है, वो चल रही है। तो मेन आपको इसका नाम याद रखना है कि एक नए तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी हम इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, वो सांबर लेक राजस्थान में पाया गया है। देखिए जो सांभर लेक है राजस्थान की, बहुत ही पुअरली स्टडीड है, यहाँ पे माइक्रोबियल इकोलॉजिकल स्टडीज़ पे इतनी रिसर्च नहीं हुई। सॉल्ट प्रोडक्शन अगर हम इस लेक का देखें तो 0.2 मिलियन टन्स पर एनम रहता है, हाइपर सेलाइन है, बहुत ही सॉल्टी इकोसिस्टम है यहाँ का, जो कि अगर यहाँ पे अच्छे से रिसर्च हो तो माइक्रोबियल इकोलॉजिस्ट को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि ये ऑर्गेनिजम्स इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको कैसे सहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, उसके बारे में स्टडीज़ जो हैं वो की जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेपे ईगल। अब ये किस तरह का ईगल है, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इसका साइंटिफिक नेम है एक्वला नाइपलेंसिस। इसको जो बर्ड वॉचर्स हैं, इन्होंने पैडी फील्ड नियर विजयवाड़ा, वहाँ पे इसको पाया, वहाँ पे ये पाया गया है, देखा गया है। यूजुअली ये कहाँ पे पाया जाता है, ब्रीड कहाँ पे करता है, रशिया में, कजाकिस्तान में, मंगोलिया में, वो भी विंटर सीजन में। ये जो ईगल है ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, जिसका पॉपुलेशन हमने देखा थोड़े समय में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। सेकेंड लार्जेस्ट माइग्रेटरी ईगल है जो इंडिया में आता है, ये सेकेंड लार्जेस्ट स्पीशीज है। IUCN स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न से एंडेंजर्ड तक है, तो स्पेशली ये न्यूज़ में फिलहाल इसीलिए था क्योंकि विजयवाड़ा में इसको देखा गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडियन पैंगोलिन्स पे। देखिए पैंगोलिन्स पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, लेकिन वहाँ पे स्पेशली हमने चाइनीज़ पैंगोलिन्स की बात की थी, लेकिन अभी हम इंडियन पैंगोलिन की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने रेडियो टैगिंग की है इंडियन पैंगोलिन की, इसका साइंटिफिक नेम है मैनस क्रासिकुडाटा, और पहली बार इसकी रेडियो टैगिंग जो है की गई है। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। देखिए इंडिया में दो तरह के पैंगोलिन स्पीशीज पाए जाते हैं यूजुअली, और अदरवाइज चाइनीज़ पैंगोलिन के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो पे बात की है, लेकिन चाइनीज़ पैंगोलिन भी इंडिया में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में,
और उसके बाद इंडियन पैंगोलिन है जो कि हमारे देश में तो पाया जाता है, उसके साथ साथ इंडियन पैंगोलिन श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। ये जो दोनों स्पीशीज़ है, इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज पैंगोलिन, ये स्केड्यूल वन पार्ट वन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है वहाँ पे प्रोटेक्टेड है। SCITES में भी इसको जो प्रोटेक्शन है वो मिली है। स्पेशली CITES क्या है आपका, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इसकी ट्रेड जो है वो इलीगल है। कॉमनली इसका नाम क्या है, इसको स्केली एंट ईटर्स कहा जाता है। टूथलेस रहता है, इसके दांत नहीं रहते, काफ़ी यूनिक ऑर्गेनिज्म है। अगर इस पर कोई अटैक करे तो एकदम, जैसे आप इसको देख रहे हैं जो स्केल है, ये एकदम बॉल जैसा बन जाता है, रोल कर लेता है खुद को। तो इसके स्केल्स भी ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करता है ताकि जब दुश्मन इस पर शिकार करे तो ये स्केल्स उसको बचाते हैं। और पैंगोलिन को अगर कोई खाने की कोशिश करे, बड़ा जानवर, तो जो पैंगोलिन है ये रोल हो जाता है और इसके स्केल इसको उससे प्रोटेक्शन, अपने जो प्रिडेटर्स हैं उससे प्रोटेक्शन देते हैं। और रेडियो टैगिंग की बात करें तो देखिए, रेडियो टैगिंग का मेन एम इकोलॉजी में यही रहता है कि हम एक इफ़ेक्टिव कंजर्वेशन प्लान इन एनिमल्स के लिए लेके आएँ। तो रेडियो टैगिंग जो इसकी की गई है, ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है बाय डिपार्टमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट WCT, जो कि स्पीशीज़ को मॉनिटर करते हैं बाकी एक्टिविटीज़ के साथ साथ भी, कि किस तरफ ये स्पीशीज़ जा रहे हैं, कितना इनका पॉपुलेशन है, राइट। और यहाँ पे पैंगोलिन्स को प्रोटेक्ट करने की बात क्यों हो रही है, देखिए इनको बचाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पैंगोलिन्स जो हैं वो अभी तक के मोस्ट ट्रैफिक्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है, यानी इनको मारा जाता है और इनको ट्रेड किया जाता है सबसे ज़्यादा। और इनको ट्रेड क्यों किया जाता है, इनके स्केल्स के लिए ही, राइट। जो इनके स्केल्स हैं इनके लिए इनको बेचा जाता है और यही स्केल्स इनका रीज़न बन गए हैं पैंगोलिन की डिसअपियरेंस के लिए। चाइना में इन स्केल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है पैंगोलिन के स्केल्स के साथ वो बनाई जाती है। इनफैक्ट पैंगोलिन का मीट लोग बहुत इंजॉय करते हैं खाने में भी, चाइना में भी और साउथ ईस्ट एशिया में। इसलिए पैंगोलिन्स को, इनकी जो पॉपुलेशन है ग्लोबली बहुत रिड्यूस हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि जो पॉपुलेशन रेंज है 50-80% डिक्लाइन पैंगोलिन की ग्लोबली जो है वो हो चुकी है, राइट। तो ये पैंगोलिन की बात की। नेक्स्ट स्पीशीज देखते हैं, सेना स्पेक्टेबलिस। अब सेना स्पेक्टेबलिस क्या है, केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेने वाला है कि ये जो इन्वेसिव प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ को हम रोकें। स्पेशली ये इन्वेसिव प्लांट क्या है, इन्वेसिव प्लांट मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है, ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो इकोसिस्टम को कोई खास बेनिफिट नहीं देते, कहीं बाहर से आके किसी लोकल सिस्टम को ओवरपावर, इकोसिस्टम को ओवरपावर कर लेते हैं, जो वहाँ के नेटिव प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो नहीं होने देते, सारे न्यूट्रिएंट्स ये ले लेते हैं, तो आगे पीछे की जो प्लांट पॉपुलेशन है उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो ये फॉरेस्ट जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ की बात की जा रही है और ये एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है सेना स्पेक्टेबलिस। देखिए काफ़ी खूबसूरत पेड़ था इसलिए इसको वायनाड में एक बार प्लांट किया गया था, वायाल इकोसिस्टम में, मार्शी लैंड में, लेकिन अब ये प्लांट बहुत ही लार्ज नंबर पे वहाँ पे ग्रो कर रहा है और मेजर थ्रेट जो फॉरेस्ट एरियाज़ को है वहाँ पे हो रही है क्योंकि बाकी प्लांट्स को, बाकी इकोसिस्टम को इससे नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ ये प्लांट जो बाकी के बांदीपुर, नागरहोल टाइगर रिजर्व है कर्नाटका का, या मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, वहाँ पे भी फैलता जा रहा है। ऑलमोस्ट 50 square kilometers जो एरिया है सेंचुरी का वायनाड में, वो इसने टोटली इन्वेड कर लिया है। डेफिनेटली अब गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेना चाहती है ताकि इसकी ग्रोथ को हम रोक सकें। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, देखिए जो एक एडल्ट ट्री है वो अराउंड 15-20 meters इतना इसकी हाइट चली जाती है शॉर्ट पीरियड में इसकी ग्रोथ की वजह से, और जो इसका जितना भी फॉलेज होता है उससे बाकी इंडिजिनियस ट्रीज जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, ग्रास स्पीशीज ग्रो नहीं कर पाती, फूड शॉर्टेज हो रहा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को भी, स्पेशली हर्बीवोर्स को। और इसके बाद जो केमिकल्स, एलियलो केमिकल्स जो प्रोड्यूस करता है ये प्लांट, उसका बहुत ज़्यादा जर्मिनेशन और बाकी की नेटिव स्पीशीज़ की जर्मिनेशन पे और ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए इसकी ग्रोथ को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स जो है वो लेगी। नेक्स्ट है आपका बार हेडेड गूज। बार हेडेड गूज क्या है, एक रेयर गूज स्पीशीज़ है जिसको वेटलैंड्स कारिंगली पुंचा केरला में देखा गया है। IUCN कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो लीस्ट कंसर्न है इसका। बार हेडेड गीज यानी एंसर इंडिकस,
ये इसका साइंटिफिक नेम है, अदरवाइज ये सेंट्रल चाइना और मंगोलिया जो है वहाँ पे पाई जाती है और वहीं पे ब्रीडिंग इसकी रहती है। माइग्रेशन इनकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होना शुरू होती है विंटर्स में, सर्दियों के समय में, और एंड ऑफ द सीजन तक ये यहीं रहते हैं, और उसके बाद फिर से ये अपने घरों की तरफ चले जाते हैं हिमालयन रेंजेस को क्रॉस करते हुए। और माइग्रेटरी है तो इसलिए बर्डर्स जो है, बर्ड वॉचर्स जो है, उनके लिए काफ़ी फैसिनेशन का दौर रहता है इनको देखने का। उसके बाद ये हिमालयस को क्रॉस कर लेते हैं। जितने भी अब हाई ऑल्टीट्यूड माइग्रेशंस जो वर्ल्ड के हैं, बार हेडेड गूस उनमें से एक स्पीशीज है जो क्रॉस करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आती है, राइट। तो अभी केरला में देखी गई है इसलिए ये न्यूज़ में है। इसके बाद है कैटरपिलर फंगस। कि कैटरपिलर फंगस क्या है, इसको हिमालयन गोल्ड भी कहा जाता है। अब रीसेंट टाइम्स में इसको बेचना, इसका ट्रेड करना और इसको कलेक्ट करना, हिमालयन गोल्ड जो है कैटरपिलर फंगस, ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। देखिए कैटरपिलर फंगस क्या है, बेसिकली एक फंगल पैरासाइट है इस तरह के लार्वा का, जो किससे बिलोंग करता है, गोस्ट मॉथ से। तिब्बतन प्लाट्यू में यूजली ये पाया जाता है, और जो जितना आपका हाई हिमालय रीजन है वहाँ पर ये पाया जाता है। लोकली अगर आप देखें तो तिब्बत में, भूटान में, नेपाल में भी ये पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है। इंडिया में स्पेशली नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहाँ पे ये पाया जाता है। अब आप मुझे बताइए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। इसको काफ़ी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं, एस्मा से लड़ने के लिए, या किसी को लंग की कोई डिजीज़ है, किडनी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेंस्ट्रुएशन में किसी लेडी को कोई प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, तो इसलिए लोग इसको काफ़ी ख़रीदते हैं और ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसको यूज़ किया जा रहा है। इसकी हार्वेस्टिंग, इसको कलेक्ट करना लोग शुरू करते हैं बिगिनिंग ऑफ मई और जून के एंड तक। ये पूरा सिस्टम जो है वो चलता रहता है इसके कलेक्शन का, और काफ़ी महंगा भी ये बिकता है। पर किलोग्राम 2006 की अगर बात करें तो 3.3 लाख पर केजी इसको बेचा जाता है, और अब ये उससे कहीं ज़्यादा हो चुका है। अगर डॉलर्स में बात करें तो 2006 में ये अराउंड $4,700 पर केजी बिकता था, और आज की अगर बात करें या फिर 2015 में लास्ट ये $13,000 पर केजी बिका है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं और इसको बेच के पैसे कमाते हैं। तो स्पेशली जो विलेजर्स हैं जो इस कैटरपिलर को हार्वेस्ट करते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर में, या फिर अस्कोट लैंडस्केप जो है वहाँ पे, जितनी भी आपकी मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं, शेफर्ड्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, वो इसको हार्वेस्ट करते हैं और आगे जाके बेचते हैं। तो डेफिनेटली अगर इसकी ओवर हार्वेस्टिंग की जाएगी, एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो जो पॉपुलेशन है कैटरपिलर फंगस की वो बहुत गिर जाएगी। इसलिए यहाँ पे वे फॉरवर्ड में यही है कि गवर्नमेंट को इस तरह के पॉलिसी मेजर्स लेके आने चाहिए ताकि इस फंगस को हम सस्टेनेबली मेंटेन कर सकें, कंजर्व कर सकें, और इस तरह से कंजर्व करें कि ठीक है, लोग इसको हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी बनी रहे, गुड गवर्नेंस भी रहे और कंजर्वेशन पॉलिसीज भी चलती रहे। तो ये कैटरपिलर फंगस जो है ये इसलिए न्यूज़ में था। तो अभी तक हमने काफ़ी स्पीशीज़ आज डिस्कस की जो रिसेंटली न्यूज़ में रही और एग्ज़ाम में वो आ सकती है। उनका नाम, साइंटिफिक नाम, नेम क्या है, किस जगह से बिलोंग रहती हैं, मेजर फीचर्स क्या हैं, क्यों न्यूज़ में रही, ये आपको मालूम होना चाहिए। PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं t.me/veronica_om, या फिर सिर्फ वेरोनिका स्टडी IQ भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।